हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि तिल और मावे की बर्फी किस तरह और कैसी बनाई जाती है, जो सिर्फ तीन चीजों से बनकर तैयार होगी और सर्दियों के टाइम में इसे बनाकर खाने में स्वाद ही अलग रहता है। तो फ्रेंड्स, तिल और मावे की बर्फी हम मार्केट से लाकर बहुत खाते हैं, तो आइए आज हम इन्हें घर पे ही बनाकर आपको दिखाते हैं कि आपको इसे किस तरह और कैसे बनाना है। तो उसके लिए मैंने लिए हुए 250 ग्राम तिल, ये मैंने मावा लिया हुआ है, और फ्रेंड्स ये मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया हुआ है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सबसे पहले हम अपने तिल को, उसके लिए मैं लूँगी एक कढ़ाई और अपने तिल को कढ़ाई में डाल लूँगी और अपनी गैस पर इन्हें रखकर इन्हें हल्का सा भून लूँगी। तो आपको इसे लो फ्लेम पर ही भूनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इन्हें धीरे धीरे इसी प्रकार भून लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तिल अच्छे से फूल चुके हैं, आप देख सकते हो, और हमने इन्हें भून भी लिया। आप इनका कलर भी देख सकते हो, इनका हल्का हल्का कलर भी ब्राउन कलर का हो चुका है। अब मैं इन्हें ठंडा करने के लिए अपनी गैस से उतार दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी खाली कढ़ाई ले ली है। अब कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे अपना मावा, और जब तक हमारे तिल अच्छे से ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपने तिल गर्म बिल्कुल भी नहीं ग्राइंड करने हैं, इन्हें हल्का ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड करना है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपना मावा और गुड़, जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इन्हें अच्छे से मेल्ट करके अपने मावे को तैयार कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गुड़ और अपने मावे को अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो। आपको इसे जब तक हिलाना है तब तक यह थोड़ा टाइट नहीं हो जाता। और फ्रेंड्स, आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इसे चलाते रहना है, वरना ये नीचे की तरफ लग जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा मावा और गुड़ थोड़ा टाइट हो चुका है। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी अपने तिल, जो कि मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए हैं, आप देख सकते हो, और इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लूंगी। इसे अच्छे से हिला लूंगी ताकि हमारा तिल और खोआ और गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, आप तिल को बिल्कुल बारीक पीस जरूर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी टाइट हो चुका है। बाकी का ये हमारे फ्रिज के अंदर जाने के बाद हो जाएगा। अब मैं इन्हें इसे उतार कर रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एल्यूमिनियम फॉइल ले लिया है। अब हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, उसके लिए इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसे चारों तरफ से अच्छे से चिकना बना लेंगे, ताकि हमारा जो गुड़ और तिल का पेस्ट है वो इस पर चिपके नहीं। और इसकी थोड़ी सी गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर थोड़े से तिल डाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इस पर हल्के हल्के तिल डाल दिए हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं इसके ऊपर अपना मावा डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे अच्छे से फैला लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने पूरे एल्युमिनियम फॉइल पर अच्छे से फैला लिया है, और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, उसमें मैंने पिस्ता और थोड़े बादाम यूज़ किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस पर पिस्ता और बादाम अच्छे से फैला लिए हैं, आप देख सकते हो। अब मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा दबा दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे धीरे धीरे रोल करूंगी और इसे आप हटाते जाओगी, फिर इसे रोल कर। तो देखिए, मैंने इसे इतना रोल कर लिया है, और अब मैं इसे पलट लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे धीरे धीरे इसी तरह रोल कर लूँगी।
मैंने इन्हें इसे बहुत ही अच्छे से रोल कर लिया है। अब मैं इसमें से बीच में से कट लगा लूंगी। और इसे अब मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से रोल कर दिया है और अब मैं इसे 3-4 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख लिया था। अब मैंने इसे निकाल लिया है और अब मैं इसकी पीसेज काटूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मावे और तिल का रोल बना लिया था और अब मैं इसे कट कर लूँगी। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसी प्रकार इसकी पीसेस बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसके मोटे पतले इसी प्रकार की पीसेस कट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी पीसेस कट कर लिए हैं। अब एक पीस मैं इनमें से आप सबको उठाकर दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यह दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जितनी दिखने में अच्छी दिख रही है, उतना ही हमारा तिल का और गुड़ और मावे का गज्जक बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बना हुआ है। फ्रेंड्स, आपने इसे बाहर मार्केट से लेकर तो बहुत खाया होगा, लेकिन अगर आप इसे घर पर ही बनाकर खाएंगे तो ये आपको बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तिल और मावे की अपने गज्जक बनाकर तैयार कर लिया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।